हादी, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम हिफ्जा, आप कैसी हैं? ठीक हैं? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आज जैसे कि हम द ग्रैंडे होटल की साइट पे मौजूद हैं, हम विजिट करने आए हैं, तो आप मुझे इसके बारे में थोड़ा सा बता दें, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, यहाँ पे अगर कुछ लोग इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो इसके की पॉइंट्स क्या हैं। जैसे कि आपने थोड़ा बहुत हमें गाइड कर दिया लोकेशन के हवाले से, बट मैं आपसे स्पेसिफिकली ये पूछना चाहूँगी कि वाई ग्रैंडे, क्योंकि फेज़ 8 में अगर हम देखें तो बहुत सारे अच्छे प्रोजेक्ट बन रहे हैं, डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हो रही है, तो हम अर्थलिंग में ही क्यों इन्वेस्टमेंट करें और स्पेशली द ग्रैंडे होटल में ही क्यों करें? थैंक यू वेरी मच, बहुत वैलिड क्वेश्चंस थे आपके हिफ्ज़ा। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि एज़ वी ऑल नो कि अर्थलिंग हैज़ अ लेगेसी ऑफ डिलीवरिंग क्वालिटी प्रोजेक्ट्स। ऑलमोस्ट 7 प्रोजेक्ट्स हमारे डिलीवर्ड हैं ऑलरेडी, एंड ग्रैंडे होटल, जैसे कि आपने खुद बात की कि लोकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। अगर आप थोड़ा सा उस तरफ देखिए तो वो बोर्ड लगा हुआ है बैरिया हेड ऑफिस कमिंग सून। जो नया बैरिया का हेड ऑफिस है ये इसके बिल्कुल 2 मिनट्स की ड्राइव के ऊपर आ रहा है। ये इसकी लोकेशन को बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इसलिए बनाता है बिकॉज आपको पता है कि हेड ऑफिस के अंदर ट्रांसफ़र्स के लिए बहुत सारे लोग आते हैं दूसरे शहरों से, तो डेफ़िनेटली उनको स्टे करने के लिए कोई ना कोई अच्छी जगह चाहिए होगी, तो ग्रैंडे होटल विल बी डेफिनेटली वन ऑफ देयर प्रेफर्ड लोकेशंस। फिर इसके अलावा जो बहरिया फेज़ 7 और फेज़ 8 की कम्युनिटी है वो इट्सेल्फ भी इसकी कस्टमर है, और इस तरह का होटल बहरिया टाउन में आई थिंक फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड होगा, जिसके अंदर लोग आके एक बहुत अच्छे माहौल में स्टे कर सकते हैं। दे कैन गो टू द शॉपिंग सेंटर, दे कैन एंजॉय द स्विमिंग पूल फैसिलिटी, एंड इसके अलावा दे कैन सिट एंड हैव अ कप ऑफ टी इन द कैफे लॉरेंट। कैफे लॉरेंट जैसे कि आपको पता है एक फ्रेंच कैफे चेन है। सो ओवरऑल ग्रैंडे होटल इज़ अ वेरी नाइस प्रोजेक्ट इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी बिकॉज अर्थलिंग हैज़ अ लेगेसी ऑफ डिलीवरिंग प्रोजेक्ट्स। आपकी किसी भी इन्वेस्टर की जो इन्वेस्टमेंट सिक्योरिटी होती है वो सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। सो इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने का बेनिफिट ये है कि इट्स ऑलरेडी 7 फ्लोर्स कम्प्लीटेड प्रोजेक्ट, और मोस्ट प्रोबेबली इन द नेक्स्ट ईयर हम इसकी कम्प्लीशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ऑलरेडी जिन लोगों ने होटल स्वीट्स बाय किए थे इस प्रोजेक्ट में वो ऑलरेडी एक बहुत हाई कैपिटल गेन इन्जॉय कर चुके हैं, एंड अभी भी एक बहुत नादिर मौका है, बहुत अच्छा टाइम है, जो लोग इस टाइम पे इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर लेंगे दे कैन रीप वेरी हाई प्रॉफिट्स टिल कम्प्लीशन। इसके अंदर 2 किस्म की इन्वेस्टमेंट्स हैं। आप प्रॉपर होटल स्वीट्स बाय कर सकते हैं जिसके अंदर हमारे पास 2 डिफरेंट साइजेज़ हैं, एंड इफ़ अगर आपका इन्वेस्टमेंट बजट थोड़ा सा लो है देन यू कैन इन्वेस्ट इन द शेयर्ड कमर्शियल स्पेसेस ऑफ दिस प्रोजेक्ट जो हमने रिसेंटली अभी लॉन्च की हैं। 11 लाख रुपए की एक शेयर्ड स्पेस है जिसके ऊपर आप 14,000 पर मंथ अर्न कर सकते हैं फॉर अ पीरियड ऑफ 2 ईयर्स, एंड आफ्टर 2 ईयर्स यू कैन गेट अ बाय बैक ऑफ 13 लाख फ्राम द कंपनी। सो ओवरऑल अराउंड 5 लाख कन्फर्म गारंटीड प्रॉफिट है इस एक शेयर्ड कमर्शियल स्पेस के ऊपर इन पीरियड ऑफ 2 ईयर्स।